आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में बालों का झड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेंशन तब होती है जब बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। बालों को झड़ने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, पारिवारिक इतिहास, अनियमित खानपान, अत्यधिक तनाव इत्यादि। आइए जानते हैं कि किन बीमारियों से बाल झड़ते हैं, इसका इलाज क्या है और बहुत सारी जानकारी। कौन सी बीमारी में बाल झड़ते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। बाल कई बीमारियों से झड़ते हैं, जैसे स्कैल्प इन्फेक्शन, लाइकेन प्लेनस, कुछ लुपस डिसीज, एलोपेशिया एरेटा, ये सब बड़े कारण हैं हेयर फॉल के। इन सब के अलावा कई चिकित्सा स्थिति में भी जो पुरुष और महिलाओं में बाल झड़ने के कारण हो सकते हैं, बच्चे के जन्म के बाद बाल झड़ते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने से भी कभी कभी बाल झड़ते हैं, बॉडी में आवश्यक पोषक तत्व कम होते हैं तो भी बाल झड़ते हैं, कई तरह की दवाइयों का सेवन करने से भी बाल झड़ते हैं, कभी कभी गंभीर बीमारियों से ठीक होने के बाद भी सर्जरी के बाद बाल झड़ने लगते हैं। एलोपेशिया एरेटा। एलोपेशिया एरेटा एक ऐसी बीमारी है जो बालों के गिरने के प्रमुख कारणों में से एक है। इस बीमारी में बाल झड़ने की स्थिति अलग अलग होती है, किसी के ज्यादा बाल झड़ते हैं तो किसी के कम बाल झड़ते हैं। इसमें स्कैल्प पर गोल गोल पैचेस जैसे गंजापन होते दिखाई देता है। इस बीमारी में हम कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाल ज्यादा गिर जाएंगे या गिरकर वापस आ जाएंगे इत्यादि, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। एलोपेशिया एरेटा एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जिसमें शरीर दूसरे बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ने से रोकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। थायराइड। आज के समय में थायराइड होना बहुत आम हो गया है, महिला हो या पुरुष दोनों को ये बीमारी हो सकती है। थायराइड बीमारी दो प्रकार की होती है, पहला हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। ये डायरेक्ट आपके बालों के हेल्थ पर असर डालता है। यदि आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रहा है तभी बालों की समस्याओं को ठीक से कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रेस यानी कि तनाव। आज के समय में तनाव सभी को है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा तनाव आपके लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इसका प्रभाव न सिर्फ आपके शरीर पर पड़ता है बल्कि आप मानसिक तौर पर भी दबाव में रहते हैं। इस तनाव का असर आपके हेयर फॉलिकल पर पड़ता है और आपके बाल बिना समय झड़ने लगते हैं। लाइकेन प्लेनस। इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाता है तो लाइकेन प्लेनस नाम की बीमारी होती है, जो कि स्किन रैशेस की तरह होती है। ये स्कैल्प में स्किन के ऊपर होता है, इसमें घाव के ऊपर सफेद परत हो जाती है और जलन के साथ साथ महसूस होती है और पपड़ी दांत त्वचा होने के कारण बाल झड़ने लगता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होते हैं। इसमें एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल शरीर में बढ़ जाता है और महिलाओं में बाल झड़ने का कारण बनता है। सिफिलिस। ये एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया यौन अंगों, रेक्टम या मुंह में घाव जैसा होता है। इस बीमारी के चार स्टेजेस होते हैं और जब ये बीमारी दूसरे स्टेज में आ जाती है तो बालों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। ऐसे में बालों का विकास रुकने के साथ साथ झड़ना भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो बाल झड़ने का कारण हो सकती है। हार्मोनल बदलाव, मौसम से संबंधित एलर्जी, विटिलोगो, त्वचा की बीमारियां। इन बीमारियों के अलावा अगर कोई और कारण है बाल झड़ने का तो बालों को झड़ने से रोका जा सकता है। आमतौर पर बालों के झड़ने के उपचार के लिए लोग घरेलू इलाज ही अपनाते हैं। ऐसे में वो चीजें होती हैं जो आसानी से घर पर मिल जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन टी की। बालों के झड़ने की समस्या में ग्रीन टी बहुत ही उपयोगी होती है। एक कप पानी में ग्रीन टी मिलाएं और अपने सिर में इस्तेमाल करें। इसे लगाने के एक घंटे तक छोड़ दें और असर करने दें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बालों को झड़ने से रोकने में मदद करता है। ग्रीन टी को पीने से भी बहुत फायदा होता है। प्याज का रस। प्याज का रस बालों को झड़ने से रोकने में बहुत असरकार होता है। इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर कंटेंट पाए जाते हैं जो आपके बालों के रोम में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करते हैं। ये बालों के पुनर्निर्माण करने और सूजन को कम करने में काफी सहायक होते हैं। प्याज के रस में जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प के उपचार में मदद करता है।
एलोवेरा। एलोवेरा में वो एंजाइम होते हैं जो बालों के स्वास्थ्य के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ इसमें एल्कलाइन गुण पाए जाते हैं जो बालों के पीएच लेवल को सही करने में मदद करते हैं। मेथी। मेथी बाल झड़ने का इलाज करने में बहुत प्रभावी घरेलू उपचार होता है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों को बढ़ाने और रोम का पुनर्निर्माण करने में सहायता करते हैं। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भी पाए जाते हैं जो बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। बालों में तेल की मालिश। अपने बालों को सही रखने के लिए तेल से उचित मालिश करने की जरूरत होती है। ऐसा करने से बालों के रोम में रक्त का संचार होता है, जड़ें मजबूत हो जाती हैं, साथ ही आपके तनाव को कम करने और शारीरिक रूप से भी थकान को दूर करने में मदद करती है। आप अपने बालों में बादाम तेल, नारियल तेल, आंवला तेल, अरंडी तेल, जैतून तेल इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने तो बाल झड़ने के कारणों के बाद बालों को कैसे रोका जा सकता है झड़ने से, कुछ घरेलू उपाय आपने जाने। आयुर्वेद समाधान पर इस तरह के वीडियोस हम आपको हमेशा लाते रहते हैं। अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सभी राय एक्सपर्ट के राय के आधार पर होती है ताकि आपको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। नमस्कार।